एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो आजकल ज़्यादातर ब्लॉग सुबह ही स्टार्ट होते हैं, पर आज एक खास बात है कि आज यहाँ पर बारिश हो रही थी, रात से बारिश हो रही थी। बस बारीक वाली, हैवी वाली रेन नहीं, बस थोड़ी थोड़ी जो बारिश आती है ना, पर वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, जैसे कोई भी फसल हो या कुछ भी उस पर ज़्यादा इफेक्ट करती है। जो धीमी बारिश होती है, जो धीरे धीरे बारिश आती है, तो वो कहते हैं कि वो अच्छी होती है वो वाली बारिश। और जो एकदम से भारी वाली बारिश आती है वो तो ऊपर से ही क्रॉस हो जाती है। तो ये वाली बारिश फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। अभी भी वो बिल्कुल हल्की हल्की लगी हुई है, अभी इतनी ज़्यादा नहीं आपको दिखेगी। तो ये इस साल की सर्दियों की पहली बारिश है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये देखो, बट वैसी ठंड नहीं है जैसे ठंड होती है ना क्लाउड में, वैसे भी कहते हैं कि ठंड नहीं होती। और बारिश के बाद जब बर्फ बुर्फ पड़ जाए पहाड़ियों पे, तब ज़्यादा ही होती है। पर हिमाचल में बताया था अलर्ट कि हैवी रेन होगी, जो मंडी के कुछ इलाके हैं उसमें रेन होगी, बाकी बर्फबारी भी बताई थी। स्नोफॉल तो यहाँ पे नहीं होता है, हाँ जब सब जगह पड़ जाती है तो इधर इधर आती है, हमारे भी आती है, पर हर साल नहीं आती। बहुत ज़्यादा जब होती है तभी यहाँ पे स्नो आती है। तो अभी सुबह के 8:30 हुए हैं और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उसके बाद ही सारे काम लेट लेट हुए। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, मैं बनाऊँगी अभी खाना। और सुबह और सुबह अभी तक सोए हैं, तो चलिए अभी खाना बना लेती हूँ फटाफट से। और ये लगा हुआ है हमारा दूध, आई मीन इसका मक्खन बनेगा अभी, ये जो पतीला। और कल क्योंकि हम धाम खा के आए थे तो आज मैं सुबह बनाऊँगी गोभी और चपाती मेरी बनेगी अभी। दोनों टाइम तो हमसे चावल नहीं खाए जाते, तो बस अभी बनेगी चावल और सॉरी गोभी और चपाती। और आज सुबह को स्कूल नहीं जाना है, अगर स्कूल जाना होता तो दिक्कत हो जाती सुबह सुबह, बारिश आ गई है। मैडम बड़ी आराम से अभी सोई हुई है। शुभी शुभी शुभी, हीटर यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, आपको यहाँ पे हीटर से दे। शुभी शुभी गुड मॉर्निंग, मजे लगे हैं आज इसके। 8:30 हो चुके हैं शुभी, फोन पे चार्जिंग पे लगा लेती हूँ, फोन को चार्जिंग पे लगा लेती हूँ क्योंकि चार्जिंग में फोन पे बहुत कम है। और सिवा सोया है अपनी अम्मा के साथ, ये भी देखो घोड़े बेच के सोया है। अभी मम्मी बहुत आ रही है, सिवा को वैसे सुबह सुबह उठाता है। अच्छा अम्मा कहाँ गई? देखो सुबह उठ के बोल रहा है अम्मा कहाँ गई। मशीन नहीं चली है नीचे घास की, सुनाई दे रही है डांस करना आपने। अब मैं जा रही हूँ किचन में। बाय सिवा, गुड मॉर्निंग सिवा। हाँ गुड मॉर्निंग शिवम, लेटे रहो ऐसे ठीक है। भाई मम्मा दूध रोटी बनाओ जरा मक्खन की। इससे पता क्या होगा? हाँ? इससे गर्म होने में जल्दी टाइम लगेगा। हाँ? उस समय वैसे ज्यादा खराब होगी ना। हाँ? अगर आप ऐसे वैसे करेंगे इसको रोटी जैसा बनाएंगे तो जल्दी पिघलेगा। तो सर्दियों में ही हो सकता है, गर्मियों में थोड़ा गर्मियों में भी होता है। क्यों नहीं होता है? गर्मियों में ठंडा पानी डाल के काफी देर तक रख दो, क्यों नहीं हो जाता है? मगर कई बार होता है ऐसा पतला होता है ना। और इस बार ऐसा होता है सर्दियों में तो मैक्सिमम ऐसा खुश्की होगा। ये देखो ऐसी रोटी बना दी ना और इसको पिघलने में ज्यादा टाइम, कम मक्की की रोटी की तरह मक्खन की रोटी कम समय लगेगा इसको पिघलने में। ये देखो फिर मैं अगला निकालती हूँ, अगला निकालती हूँ। ये घी हम बेचते नहीं है, सिर्फ अपने खाने के लिए होता है, यूज होता है। ये बना दी हमने, बनाएंगे ना इसकी पूरी लस्सी निकल जाएगी। जितनी ज्यादा लस्सी निकलेगी, जितनी ज्यादा लस्सी निकलेगी उतना ही ठीक रहेगा, उष्मा कम लगेगी। ठीक है, ये जब बना रही है तो लस्सी निकल रही है नीचे, देखो देखो ये निकल रही है लस्सी पूरी की पूरी। अब इसको गर्म करने में कम समय लगेगा, कम हीट लगेगी इसको। हाँ। ऐसे डाल दो आप, अगर हम इकट्ठा करें ना तब इसको पिघलने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए समय की बचत भी होगी। समय की बचत भी होगी और उष्मा की बचत भी होगी। तो सब्जी भी देखिए मेरी गोभी की यहाँ पर बन चुकी है, बस इसको थोड़ा सा मैं ये करूँगी, मसाला डालूंगी और बाकी मेरी सब्जी भी प्रिपेयर हो जाएगी। तो बस सुबह के बस यही काम है, जल्दी जल्दी मुझे निपटाने पड़ते हैं। सुबह उठ बच्ची, कितनी देर हो गई, उठो चलो उठो जल्दी करो जल्दी जल्दी, शाबाश उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठो। मैं शिवा को भी धर लिया। गुड मॉर्निंग बोलो,
क्लास लगने वाली है थोड़ी देर में, और इतनी देर के बाद उठ रहे हो, जल्दी करो फिनिश। लगानी है बच्ची, क्यों नहीं लगानी? क्लास नहीं लगाएगा सीबा तो कैसे चलेगा? चलो पियो जल्दी। गुड आफ्टरनून, ये है अभी नेक्स्ट डे से अगला डे है। पता क्या, जो मैंने बर्थडे को शॉपिंग की थी, इसके बाद मेरे 2-3 ब्लॉग आ गए, उसके बाद मैं आपको ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस ब्लॉग को खत्म नहीं किया था, तो सोचा अब आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या शॉपिंग की थी उस दिन। एक्चुअली उस दिन जल्दी जल्दी में शॉपिंग हुई थी, तो मैंने बोला था उसी ब्लॉग में आपको बोला था कि मैं आगे आपको दिखा दूंगी। कुछ सूट लिए थे, कुछ मम्मी ने लिए थे, कुछ मैंने लिए थे, तो वही आपको दिखाने थे। चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा लेती हूँ, फिर हम इस ब्लॉग को खत्म करेंगे। तो अब यहाँ पर ना ठंड हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो आपके वहां पे कैसा मौसम है प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सूट बताऊंगी, 4 सूट हमने लिए थे, 2 मैंने लिए थे, 2 मम्मी ने लिए थे। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, सारे गर्म सूट हैं बट आपको दिखाने बनते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको मम्मी का सूट। तो ये वाला सूट लिया है मम्मी ने, ये देखो मुझे बहुत सुंदर लगा ये वाला सूट, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो कलर कौन सा है इसका, कौन सा कलर, मेहंदी जैसा कलर बोलते हैं ना इसको, मेहंदी कलर या मिल्ट्री ग्रीन, वो वाला कलर है ये। तो देखो इसमें जो फ्रंट का पीस है ना, उसमें भी पूरा वर्क आपको दिखेगा, और जो उसमें साथ में देखिए ये बाजू है, बाजू में भी, इसमें सिर्फ आगे जो बाजू की मोहरी होती है उसी पे वर्क है। ये देखो पट्टी इन्होंने देखी रखी है, एक बाजू है और इसके साथ ही दूसरा बाजू है। और फिर ये रही इसकी सलवार, और जिसका दुपट्टा है ना, हाँ बैक का पार्ट में मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे इसीलिए अच्छा लगा था ये सूट। इसके बैक के पार्ट में भी डिजाइन है, देखो नीचे इसके बैक के पार्ट में भी डिजाइन है। और जब हम खुद स्टिच करते हैं ना सूट, जैसे कहीं डिजाइन अगर बच जाए तो उसको ऊपर भी यहाँ पे बैक में लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छी लुक बनती है उसे सूट की। तो जब खुद स्टिच करने का यही फायदा होता है, अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हो, शुरू से सीखना चाहते हो, तो मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगी लतवारे फैशन डिजाइनर चैनल पे। उस पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने हैं सबको, जितनी भी लेडीज और जितनी भी लड़कियां लिख रही हैं, मैं आपको स्टिचिंग में एकदम परफेक्ट बना दूंगी। अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये रहा इसका बैक देखिए, और हर सूट पे मैं बनाऊंगी, उस पे भी मैं रेगुलर होऊंगी अब कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा अभी इररेगुलर हूँ चैनल पे। तो ये रहा मम्मी का एक सूट, और इसका जो ये इसका पजामा है, जो इसका दुपट्टा था ना, शॉल है पूरा, उस पे भी वर्क है, सेम ऐसा ही जैसा इस पे है वैसा ही उस पे भी वर्क है, सेम है, इसलिए मुझे सूट पसंद आया था। बाकी इसकी जो सलवार है ना, उसपे भी नीचे देखो बॉटम में इसमें भी इस तरह से पट्टी दी हुई है, तो इसको भी हम चाहे तो चौड़ा करके जैसे ऊपर तक इसको बना सकते हो, पोंचे आजकल आपको पता ही है चौड़े चौड़े जो लगते हैं, 6-3 इंच का पोंचा अच्छा लगता है, तो वही उसपे भी इसको पूरा लगा सकते हैं। खुद स्टिच करने का यही फायदा होता है, अगर आप टेलर के पास सूट लेके जाते हो ना, तो जैसे हम खुद स्टिच करते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जैसे हम खुद स्टिच करते हैं ना, वैसा आपका टेलर स्टिच नहीं कर सकता। आप अपने सूट को तसल्ली से बनाओगे, बहुत टाइम उसमें लगाओगे कि मेरा सूट ऐसा दिखना चाहिए, बट वैसा टेलर नहीं करते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सूट रहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी में जैसे इन सूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है मेरा अपना सूट, और ये है बेलबट का सूट। ये देखो ये बेलबट का सूट मैं पहली बार, हाँ शायद पहली बार ही पहन रही हूँ बेलबट का सूट, प्रिंट वाला बेलबट है ये देखो। और इसके गले में कुछ इस तरह से वर्क दिया है, वर्क क्या, ये भी पट्टी बना के रखी है उन्होंने गले में। और ये देखो ये इसकी फ्रंट साइड है, इसमें उन्होंने पूरा जो बेलबट का सूट आता है ना, वो इस तरह से आता है, मतलब इसमें दोनों जो आगे फ्रंट और बैक का पार्ट है वो आपका इकट्ठा ही निकल जाएगा एक में। ऐसे में क्या होता है कि पहले आप फ्रंट का निकालोगे उसके बाद बैक का होगा, बट इसमें देखिए ये फ्रंट का है और इसमें साथ ही में बैक का भी इसी तरह से है। और इसकी जो सलवार है वो भी बेलबट की है। अब सलवार तो मैं इसकी नहीं बनाऊंगी, लेकिन इसकी बनाऊंगी मैं लेगिंग, क्योंकि बेलबट की सलवार अच्छी नहीं बनती। तो देखिए इसकी सलवार है बेलबट की ही, और ब्राउन कलर के सूट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर ये ब्राउन कलर चूज किया। और बाकी इसका जो दुपट्टा है ना, वो भी इस तरह से ही है, ये देखो इसका दुपट्टा भी पूरा बेलबट का है। तो पहली बार मैं पहनूंगी बेलबट का सूट, और जब पहनूंगी स्टिच करूंगी तब भी आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। ये दूसरा सूट हो गया, अब जल्दी जल्दी से मैं दिखाती हूँ आपको थर्ड सूट। अब दिखाऊंगी मम्मी का सूट फिर से। तो ये के कलर मम्मी ने लिया है, क्योंकि इस कलर का सूट मम्मी के पास नहीं था, तो फिर मैंने बोला मम्मी इस कलर का सूट आप लो, ये वाला है थर्ड। ये भी क्योंकि सर्दियाँ हैं आजकल, तो आजकल बस मोटे सूट ही चलते हैं। बाकी ये देखिए ये फ्रंट और बैक में सेम ही है, ये इसकी सलवार है, सलवार में भी इस पर प्रिंट आपको दिखेगा हल्का हल्का।
और बाकी इसका जो स्टॉल है वो भी इसी तरह से है, स्टॉल ही मैं बोलूंगी, स्टॉल भी नहीं। ये देखो इसके जो ये इसका फ्रंट पार्ट है, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा, गोल्डन सा। और ये इसका बैक पार्ट है, बाकी ऐसा ही इसका स्टॉल भी है। और ये इसकी सलवार है, ये वाला लिया। और एक और लिया है, ये मैंने अपने लिए लिया, इस कलर का सूट भी मेरे पास नहीं था तो मैंने ये कलर ले लिया फिर। और ये वाला, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें बाजू में भी वर्क है, इसमें हर चीज, जो ये फ्रंट और बैक जो सलवार है वो भी इसकी बहुत अच्छी है। तो मैं फटाफट से दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये रहा इसका फ्रंट पार्ट, ये देखो इसका फ्रंट का पार्ट है, और जो इसका बैक का पार्ट है ना, ये इसका बैक पार्ट है, देखो ये इसका बैक का पार्ट है, ये देखो। तो सारा मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला सूट भी। और इसकी जो सलवार है, स्टॉल भी इसके इसी के साथ है, सेम ऐसा ही इसका स्टॉल भी है। और मैं ना कपड़े वाली बन गई आज, कपड़े बेचने वाली बन गई। और ये देखो इसके बाजू भी, बाजू में दिखाती हूँ आपको, ये है इसके बाजू, ये इसकी सलवार है, ये वाली इसकी सलवार है, और ये इसके बाजू है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला सूट, बाकी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसा ही इसका स्टॉल भी है, ऐसा ही सेम ऐसा ही इसका स्टॉल भी है, सेम ऐसा ही है। अभी मैं खोल दूंगी क्योंकि वैसे मुझे स्टिच करना है। एक्चुअली क्या था कि मुझे स्टिच करने थे ये सूट, तब मैंने सोचा कि फटाफट से आपको दिखा भी देती हूँ, उस दिन बोला था। ये वाला शायद इसका स्टॉल है यार, ये वाला इसका स्टॉल है, देखो ये साथ में ही दिया है उन्होंने स्टॉल, यहाँ से मुझे काटना पड़ेगा, ये वाला है इसका स्टॉल, ये देखो ये इसका स्टॉल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला सूट भी। ये चार सूट उस दिन लिए थे उसके साथ, जो पतिदेव को गिफ्ट ली थी उस दिन की शॉपिंग है, और 2 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये। सो चलिए आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको सीखनी है या नहीं सीखनी है स्टिचिंग। आपको शुरू से सीखनी है तो मैं एक एक करके आपके लिए पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगी और टाइटल भी डालूंगी साथ में। सीखनी है तो प्लीज आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट आपको नीचे लिखने हैं कि हाँ हमें सीखना है, प्लीज हमें सिखाइए, और मैं आपको सिखा के ही रखूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं भी आपको सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, बट ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो भी शेयर करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा आपको नीचे कमेंट लिखने पड़ेंगे। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।